क्या आप जानते हैं भगवान राम की एक बड़ी बहन थी। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। भगवान राम की एक बड़ी बहन थी जिनका नाम था शांता, जो सभी चारों भाइयों में सबसे बड़ी थी और उनकी एक ऋषि से शादी हुई थी। और हाँ, इन्हीं ऋषि के कराए हवन पूजन से ही भगवान राम और बाकी सभी भाइयों का जन्म हुआ था। हालांकि इस बात का जिक्र वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं मिलता, लेकिन भगवान राम की बहन की कहानी हम आपके लिए लोगों की मान्यताओं और किस्से कहानियों से खोज कर लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम आपको पहाड़ों के बीच मौजूद देवी शांता के एक प्राचीन मंदिर के बारे में भी बताएंगे, जहां रोजाना उनकी पूजा अर्चना होती है। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वॉचिंग अनकट। आप में से कई लोगों ने वाल्मीकि रामायण पूरा पढ़ा होगा, कईयों ने तो कई बार पढ़ा होगा, लेकिन आपको कहीं भी देवी शांता का जिक्र नहीं मिला होगा। कुछ एक्सपर्ट्स इसके पीछे का कारण रामायण के राम पर केंद्रित होने को मानते हैं। उनका मानना है कि ऋषि वाल्मीकि ने भगवान राम के जन्म से ही रामायण की शुरुआत की थी, लेकिन देवी शांता भगवान राम के जन्म से पहले ही अयोध्या से जा चुकी थी। मान्यताओं के मुताबिक राजा दशरथ और रानी कौशल्या को सबसे पहले एक पुत्री हुई थी, जिनका नाम रखा गया शांता, जो काफी बुद्धिमान थी। रानी कौशल्या की एक बहन थी वर्षिणी, जिनका विवाह हुआ था अंगदेश के राजा रोमपद से। इन दोनों की कोई संतान नहीं थी। एक बार वर्षिणी अपने पति राजा रोमदेव के साथ अयोध्या आई, और जब राजा दशरथ को इस बात का पता लगा कि कोई भी संतान नहीं होने के कारण दोनों काफी दुखी रहते हैं, तो राजा दशरथ ने अपनी बेटी शांता को वर्षिणी और राजा रोमपद को गोद दे दिया। शांता को पाकर दोनों काफी खुश थे। वे शांता को लेकर अंगदेश लौट गए। वक्त बीतता गया, शांता धीरे धीरे बड़ी होती गई। एक दिन शांता और राजा रोमदेव बातचीत में मग्न थे, तभी एक ब्राह्मण खेती के काम में मदद के लिए राजा रोमदेव के पास आए। लेकिन राजा शांता से बातचीत में इतने खो गए थे कि उन्होंने ब्राह्मण की बात ही नहीं सुनी। ब्राह्मण काफी दुखी हुआ और वहां से लौट गया। वो ब्राह्मण इंद्रदेव का काफी बड़ा भक्त था। अपने भक्त का ये हाल देखकर इंद्रदेव काफी गुस्सा हुए और उन्होंने अंगदेश में बारिश करवाना बंद कर दिया। राज्य की फसलें मरने लगी। राज्य का ये हाल देखकर रोमदेव काफी परेशान हुए और सीधे पहुंचे श्रृंगी ऋषि के आश्रम। श्रृंगी ऋषि सब कुछ समझ गए और राजा को इंद्रदेव को मनाने के लिए यज्ञ करवाने को कहा। राज्य में पूजा अनुष्ठान किया जाने लगा। तब कहीं जाकर इंद्रदेव खुश हुए और राज्य में बारिश करवाया और राज्य दोबारा खुशहाल हो गया। श्रृंगी ऋषि के इस उपक्रम से राजा रोमपद काफी खुश हुए थे और अपनी बेटी शांता की श्रृंगी ऋषि से शादी करवा दी। दोनों एक साथ रहने लगे। ये थी भगवान राम की बड़ी बहन शांता की पूरी कहानी। वैसे आप सभी तो ये जानते ही होंगे कि कैसे गुरु वशिष्ठ के कहने पर श्रृंगी ऋषि अयोध्या आए और राजा दशरथ को पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया, और इसी यज्ञ के बाद राम, भरत और जुड़वा भाई लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। आज भी अयोध्या से करीब 40 किलोमीटर दूर श्रृंगी ऋषि का एक आश्रम मौजूद है, और यही श्रृंगी ऋषि और देवी शांता की समाधि भी मौजूद है। वाल्मीकि रामायण में देवी शांता का जिक्र नहीं होने का एक कारण ये भी माना जाता है कि रामायण भगवान राम के जन्म से शुरू हुआ एक महाकाव्य है। देवी शांता उनके जन्म से पहले ही अंगदेश जा चुकी थी। शायद इसी कारण उनका वाल्मीकि रामायण में जिक्र नहीं किया गया है। अब ये तो हो गई भगवान राम की बड़ी बहन शांता की पूरी कहानी। वो कौन थी और वाल्मीकि रामायण में उनका जिक्र क्यों नहीं मिलता? वैसे आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत में एक ऐसी जगह है जहां देवी शांता का एक बहुत प्राचीन मंदिर मौजूद है, जहां उनकी रोजाना पूजा अर्चना की जाती है। ये जगह है हिमाचल प्रदेश का कुल्लू। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से करीब 50 किलोमीटर दूर पहाड़ों के बीच श्रृंगी ऋषि का आश्रम है, पर यही देवी शांता का एक प्राचीन मंदिर है जहां नियमित रूप से उनकी पूजा की जाती है। तो ये थी मान्यताओं और किस्से कहानियों में छिपी भगवान राम की बड़ी बहन शांता की पूरी कहानी। हम ये जानकारी आप तक मान्यताओं के आधार पर लेकर आए थे। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए आप अनकट को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।